हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पर हमको देखने को मिली है वो ये एक प्यारी सी जर्मन शेफर्ड की फीमेल। हमारा हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट डॉग्स। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, तभी वीडियो में आप लोगों को मज़ा आएगा कि मैं क्या आपको लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो आज हम लोग एक बहुत ही छोटी राइड पर जाएंगे, छोटे छोटे पपीज से मिलने जाएंगे। पपीज़ आज अराउंड 21 डेज़ के हो चुके हैं अपने, जो जिससे हमने, अगर आप मेरा चैनल रेगुलर देखते हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने अप्रैल की जिस डॉग से मैटिंग कराई थी तो उसी के ही पपीज़ हैं। तो मेरे ब्रदर को काफ़ी अच्छे पपीज़ लगे थे अप्रैल के, तो उसने बोला यार अब की बार मैं भी सेम डॉग से ही मैट करवाऊँगा, तो उसके पपीज़ से मिलने चलेंगे हम। तो यहाँ से अराउंड 20 किलोमीटर्स दूर है, तो वहाँ जाएंगे, पपीज़ से मिलेंगे। और गाइस एक और चीज़ ये बताना चाहूँगा कि मेरे भाई ने एक अभी बहुत ही प्यारा सा एक और डॉग परचेज़ किया है, एडल्ट है, अराउंड 10 मंथ्स का है, तो उसको, उससे भी आप लोगों को मिलाऊंगा। काफ़ी प्यारा और बहुत ही, मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी का डॉग है, तो उससे भी मिलाऊंगा। तो ठीक है, वीडियो से एंड तक जुड़े रहना और वीडियो को एंड तक प्लीज़ देखना यार, अगर एंड तक देखोगे ना तभी मज़ा आएगा, नहीं तो फिर अगर ये मेरी बकवास सुन के अगर आप लोग निकल जाओगे तो फिर कोई मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। सो गाइस अभी रास्ते में है, काफ़ी दूर है यार अभी भाई का घर, साथ में अपन इस अपनी राम प्यारी के ऊपर आए, चाय पीने के लिए रुके हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पर हमको देखने को मिली है वो ये एक प्यारी सी जर्मन शेफर्ड की फीमेल, जो कि बहुत ही मस्त है, एकदम ब्लैक मास्क। यार पता है, आप कुछ अच्छी चीज़ देखने, मतलब आप इस टाइप की कोई चीज़ देखने जाते हो ना, तो आपको मतलब सेम टाइप की चीज़ें ही मिलती है। अब देखो यार, हम ऐसे ही निकल रहे थे तो हमको ये दिख गई और इसकी वजह से हम यहाँ पर चाय पीने रुक गए। तो फिर इस तरीके से बहुत ही बढ़िया सा, देखो कैसा लग रहा है यार ये पपी, अभी ये 3 मंथ्स की ही है जस्ट, और लुक एट द ग्रोथ। तो चाय पीते हैं और फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू रखते हैं और जाते हैं। थोड़ा अभी 10 किलोमीटर बचा होगा हार्डली, नहीं तकरीबन 2-3 किलोमीटर, दो तीन किलोमीटर यहाँ से और दूर है, फिर जाएंगे 2-3 किलोमीटर और वहाँ पे मिलेंगे। मस्त मस्त एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ है वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा वो आपको, यार ये बहुत सारी गाड़ियाँ निकल रही हैं यहाँ से, सरप्राइज़ है वो वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा आपको। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, एक बहुत ही मस्त सा एक वीडियो में अच्छा मज़ा आ जाएगा आपको देख के। ये बिल्कुल प्लेफुल डॉग है। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं हमारी जहाँ पर हमको आना था लोकेशन के ऊपर। तो ये है लोकेशन, पूरी फार्म हाउस है अच्छा सा, तो यहाँ पर ही पपीज़ हुए हुए हैं। पहले आपको पपीज़ की मदर से मिलवाता हूँ, कम इन सिल्वी, गुड गर्ल। ये रही उनकी मदर, बहुत ही क्यूट, बहुत ही डाउन हो चुकी है जैसे इसको पपीज़ दिए हैं। तो कैमरामैन काफ़ी डर रहे हैं इन डॉग्स से, एक तो इससे मिलाऊंगा आपको और एक इसके, नहीं उसको मत दिखाना दी, अभी बाद में दिखाएंगे यार उसको, थोड़ा सा एक्साइटमेंट एंड के लिए। एक और डॉग है बहुत ही प्यारा सा, 10 मंथ्स का पपी है, उससे भी मिलाएंगे आप लोगों को। तो अभी अंदर चलते हैं, इसके पपीज से मिलेंगे इसके और बॉक्सर से। चलो बॉक्सर को सलामत भाई, कुछ भी मत बोलना, स्टार्ट कर। सो गाइस ये जगह तैयार कर रखी है बच्चों के लिए, अभी मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है यार इसको फीमेल से, मेरे को कुछ हार्म कर रहे हैं, बाइट वाइट नहीं कर रहे, बाइट तो नहीं करेंगे। चलिए चलते हैं बच्चों के पास, ये बहुत ही स्मेल सी हो चुकी है यहाँ पर। ये रहे हमारे सारे बच्चे, बहुत ही क्यूट क्यूट से पपीज यार, इनको देख के अप्रैल के बेबीज की याद आ गई मेरे को। तो इनको थोड़ी रोशनी में लेकर चलते हैं, बाहर लेकर जाएंगे और फिर मिलाते हैं। देखो कैसे बाग कर रहा है यार, ये थोड़ी सी परेशान हो रही है कि यार मेरे बच्चों के पास क्यों आ रहे हो तुम लोग, चलो इनको बाहर लेके चलते हैं। तो गाइस बच्चों को वापस बाहर लेकर आए हैं, क्योंकि वहाँ पर अंधेरा था यार काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ पर ढंग से दिख नहीं रहते। तो अब आप लोगों को मैं बच्चे धीरे धीरे करके एक एक बच्चे से मिलाऊंगा कि ये पपीज़ कैसे हैं और अभी कैसी ग्रोथ कर रहे हैं। अभी 20 डेज़ के हो चुके हैं बच्चे, तो रखो भाई एक एक बच्चे को। तो ये है हमारा, क्या है ये, मेल है या फीमेल है? मेल। ये है मेल, ये है मेल, ब्लैक ब्लैक सा है, काफ़ी अच्छा कोट भी काफ़ी अच्छा है इनका। अभी सिर्फ 20 डेज के बच्चे हैं यार, तो उस हिसाब से तो काफ़ी सही हैं। नेक्स्ट पपी से मिलते हैं, ये भी मेल है, ये तो बिल्कुल भालू जैसा बच्चा है, जैसा अपने पास वो था ना लड्डू,
गब्बर, जिसकी मैं वीडियोस डालता हूँ नॉर्मली, वैसा बिल्कुल। और ये एक और, ये फीमेल पपी है जो कि बिल्कुल एकदम ब्लैक मास्क टाइप में है, ये फीमेल पपी। ये एक और फीमेल पपी, क्यूट क्यूट सी। ये मेल पपी देखो कैसा लग रहा है गाइस, बताना प्लीज। अभी तो आईज भी इनकी पूरी तरीके से ओपन नहीं हुई है, अभी आंखें काफी कम है, छोटी छोटी सी है इनकी। ये देखो एक और मेल पपी, और ये लास्ट एंड फाइनल लीटर का सबसे कमजोर बच्चा, जो कि बाद में जाकर काफी हेल्दी हो जाएगा, बताइए अच्छी डाइट मिलेगी तब। तो ये सारे के सारे बच्चे हैं, देख सकते हो आप लोग कितने कितने क्यूट क्यूट से बच्चे हैं सारे। सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं यार। कोट भी काफी अच्छा है, कह सकते हो आपकी डबल कोट, लॉन्ग कोट का तो अभी पता नहीं चल रहा इतना ज्यादा कुछ खास, बट आफ्टर सम टाइम पता चल जाएगा, 30-30 दिन बाद ही पता चलता है एक्चुअल में कैसा बच्चा जा रहा है, हैवी बोन, लो बोन, जो भी आप कहते हैं अपने, वो सारी चीजें। सो गाइस ये हैं सारे बच्चे। सो गाइस कितना क्यूट है, देख सकते हो आप, प्यारा सा, बिल्कुल मस्त। ये सबसे मस्त पप्पी है यार, एकदम कह सकते हो लॉन्ग कोट, डबल कोट, जो भी आप कहना चाहते हो, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, बट मेन फोकस पप्पी की क्यूटनेस पे होता है। और वो क्यूटनेस जब भी दिखते हैं, जब बच्चा एकदम ऐसा भालू जैसा होता है ना, तभी बच्चा एकदम क्यूट क्यूट सा लगता है। ये देखो कितना क्यूट लग रहा है, बहुत मस्त है यार। तो भाई अभी ट्राई करते हैं एक एक बच्चे को, मतलब 7 पपीज है, 7 के 7 पपीज को ट्राई करेंगे कि सबको एक साथ हाथ में उठाने की, वैसे उठा नहीं सकते, गिर भी सकते हैं, बट प्रिकॉशंस पहले हैं, ठीक है। ये पहला पपी, इसको डालते हैं यहाँ पर। यार बहुत ही अच्छा फील हो रहा है इनको पकड़ के, लाइक बहुत ही एकदम मस्त सा ये निकल रहा है। अभी ये गिरे से पहले मैं इनको नीचे उतार देता हूँ। अरे भाई चलो, जो फाइनल चीज दिखाने वाला था मैं आपको, अब उससे मिलाऊंगा, और उस चीज का नाम है हमारा शेरू। ये 10 मंथ्स का है, बहुत ही, ये बाहर आ गई, ये 10 मंथ्स का है, जर्मन शेफर्ड डबल कोट, काफी अच्छा बच्चा है, बहुत ही भौंक रहा है अभी, पता नहीं क्यों भौंक रहा है भाई, क्या मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा यार तेरा। कैसा लग रहा है गाइस ये डॉग आपको देखने में, बताओ प्लीज। मेरे को तो काफी मस्त लग रहा है, बाकी मेरी फट रही, मेरे को डर लग रहा है इसके पास जाने से भी। अभी 9 मंथ्स का है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा मतलब पपी वाली चीजें हैं इसके अंदर, बाकी जब ये एडल्ट होगा तब बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो भाई बोलना वहां पर मेरा भाई खड़ा है, उसको डर लग रहा है भाई इससे बहुत ज्यादा। तो कैसा है दिखने में बताओ। ये रही हमारी मदर सारे बच्चों की, ये भी बहुत प्यारी है, एकदम फन लविंग, खेलती है, कूदती है, भागती है, दौड़ती है, और ये सिर्फ भौंकता है। पूरी ब्लैक बैक है इसकी एकदम, वो कोई इशू नहीं है। ये देखो इसको जेलेसी हो रही है। कोट काफी अच्छा है इस डॉग का, बुशी कोट। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही और बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस लेके आएंगे, अभी उन पपीज की जब आगे ग्रोथ होगी ना, तब वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। वापस मिलने आएंगे उन पपीज से 10 दिन बाद, तब उनकी ग्रोथ देखेंगे कि कैसी हो रही है, कैसे पपीज जा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।